गोरखपुर की बात करेंगे, जहां 78 लाख की बिजली चोरी का मामला सामने आया। वाराणसी के अफसर बिजली चोरी की जांच करेंगे। मुख्य अभियंता की जांच टीम ने अफसरों को दोषी माना है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नाराजगी जताई है। सिकरीगंज के भेउसा बनकटवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और इस मामले को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की जांच वाराणसी के अफसर करेंगे। बिजली चोरी का जो पूरा मामला सामने आया है, वाराणसी के अफसर इस मामले में जांच करेंगे। गोरखपुर में 78 लाख की बिजली चोरी का यह मामला सामने आया है, जिसको लेकर खुद ये पूरा मामला बिजली मंत्री ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, गोरखपुर में 78 लाख की बिजली चोरी का मामला सामने आया, ये मामला कहां का है और कैसे मामला संज्ञान में आया अधिकारियों के? ये गांव का मामला है, वहां पर एक परियोजना का हुआ था उस पर वो सरकार के द्वारा एक परियोजना वहां पे लगाई जा रही थी और उस परियोजना के अंतर्गत जो घोटाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि जो टास्क फोर्स योगी सरकार ने बनाई है, उस टास्क फोर्स के अंतर्गत ये घोटाला जांच करने वाली टीम थी और उसने इस घोटाले को पकड़ा है। मुख्य अभियंता को उसमें मुख्य अभियंता की टीम को दोषी पाया गया है, जिसको खुद श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने संज्ञान लिया है और अब एक अलग से टीम का गठन करके उन्होंने बनारस से गोरखपुर के लिए रवाना किया है। अब 78 लाख की जो 78 लाख का घोटाला है, चूंकि सरकार की ये मंशा है कि जो उनका जो काम है, उनका जो भी विकास कार्य है, उसका क्रियान्वयन बहुत ही सही ढंग से हो, भ्रष्टाचारियों पर। अभी आपने कल देखा कि प्रतापगढ़ में 2 एडिशनल को योगी सरकार ने भी निलंबित किया, तो उसी क्रम में ये एक बड़ा घोटाला था और इसकी जांच बहुत जरूरी थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री गोरखपुर के एक छोटे से गांव की अगर इस घोटाले की जानकारी रखते, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में जो तंत्र है उसके विश्वसनीयता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला था और इसकी जो जांच है वो बनारस की टीम करेगी। मनीषा, बिल्कुल प्रदीप, वाकई बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच के लिए अफसरों को नियुक्त भी कर दिया गया है। वाराणसी के अफसर इस मामले में जांच करेंगे। कब से ये जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए, स्पष्ट रूप से अगर मैं बताऊं, जो जानकारी मिली उस जानकारी के अनुसार बनारस टीम का जो गठन है वो हो चुका है। बनारस से टीम आ भी निकल भी चुकी है। अब किसी भी क्षण गोरखपुर में 24 से 48 घंटे के अंदर जो विभाग से जुड़े हुए ठेकेदार हैं, जो एक्सीजन है, जो भी जेई है, सबसे पूछताछ होगी, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आएगा। फिलहाल 78 लाख रुपए का जो घोटाला है, उस घोटाले पर सरकार की नजर बनी हुई है और निश्चित रूप से जो योगी सरकार हमेशा कहती रहती है कि भ्रष्टाचारियों को हम कतई नहीं बख्शेंगे, उसी क्रम में ये बड़ा फैसला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।